कदे कदे मैं सोचूं कि वो हादसा नहीं हुए तो हमारी जिंदगी नहरी ही होती। मारा बापू मने हमेशा कहता हा तने भगवान नेरोइज बनायो है और हैंग फूट रापो खुशी और आनंद वारोइज मिले। मारे माँ बाप री मौत एक बस एक्सीडेंट में हुई। व्यारे पच्चे मारा दादा दादी मने पालिया। मिनक कहता कि मारो जन्म खराब नक्षत्र में होयो और मारे श्राप रे कारण मारा माँ बाप री मौत रही। मने लागे हो मारे लाडला जन्म रे पाप रो कारण है। मारा दादा दादी मारो ब्याह करा ने मारो लारो छुड़ानी चाहता। मारा ससुर जी मारो पक्ष लेता ने वे मारो हावल ध्यान रखता। मारी सासु चाहती कि मारे एक पोतो हिच पैदा हुए। पण मारी ननन वा मने पसंद नहीं करती। वा मारू ईड राखती। जिनों मारो ब्याह हुए तो उन साथे मन थोड़ी घबराहट हुई थी। जब मारा ससुर जी बीमार हा तद मारे घरदड़ी ने घणो काम करना पड़तो क्योंकि वह ने घर चलावनो और घर रो सारो बोझ वह माते हो। मैं मारे जीवन नु डर गई। मने नहीं ठाओ मने काई करना है। जे मैं माँ बनती तो वे राजी रहता पर मैं माँ नहीं बन सकी। घर रे माए मारे ससुर जी रे सिवाय मने कोई नहीं समझे। वे घना बीमार रहता इन वास्ते मैं उन्हें कोई बात नहीं कर सकी। वेणी यहाँ हालत देखने मने घनो दुख रहे तो मारी सास तू मने धमकी देती कि जे मारे छोरो नहीं भियो तो वह मने घर उबारे काट देवेला। मारे पाड़ला घर रे माए एक चोखी लुगाई मने कई बार चाय पीवन आपरे घरे बुलावती। उनरे खुदरे जिंदगी में घनी मुसीबत आई।
तो एवा घणी राजी ही। मैं मारी साथन प्रेमा ने बुझियो कि वह मारे चढ़ी लुगाई रो इतना ख्याल क्यों रखे। वह मने कहो कि भगवान यीशु और वारा चेला रो कहा में दूसरा रो ख्याल रखनो और वह भले कियो कि भगवान मारे हूँ प्रेम करे और वही मारे हूँ प्रेम रखे। मैं प्रेमा ने कहो कि वह मने भगवान यीशु रे बारे में बतावे और वह दया रे साथे मने भगवान यीशु रे बारे में बतायो। और वह मने जागर में आउन रो भी न्योतो दियो। मने सत्संग रे गुरु जी री आवाज हावल याद है। सतगुरु यीशु भगवान रा मेल जोड़ा अखंड जोत है, जी कोई उन माते भरोसो करेला वो पाप और मृत्यु रे चक्रु बचेला। उन रे अनुग्रह ने ग्रहण करना हूं अपारी बेकार जिंदगी चौकी और बढ़िया वे जावेला। ओ एक सत वचन है जिको मैं पूरी जिंदगी सुनने तरसती हूं। इन प्रार्थना रा बोल अपन ने सिखावे के हे परमेश्वर मने झूठू हाच और अंधेरों चांदनो और मृत्यु अमर जीवन की कहानी ले चालो। यीशु माए अपारी प्रार्थना री भरपूरी है।
यीशु इज मार्ग हाथ और जीवन है जिको अपन ने मोक्ष देवे। वे माने समझाया कि आप भगवान यीशु महाराज मार्फत किणी टेम और कठे प्रार्थना कर सका। वे कहो कि भगवान खुद चावे कि अपारे माथे कृपा रहे, अपन ने भले की करना री जरूरत नहीं है। वे माने समझाया कि सदगुरु यीशु महाराज ने मारा गुरु बनाए रहे 30 दिन ताई सिर्फ व्यारी प्रार्थना और आराधना करो। मैं यीशु महाराज उन रात प्रार्थना करी, वे मने सच्चाई रे मार्ग माते चलावे, मने मोक्ष दे और शांति उ भर दे। मैं वो जान रे अचंभो करियो कि मैं मां बनन वाली हूं। और जान मारा सासरा वाला घना राजी भी आ और वे मने पाछे आपरे घरे ले गया। यहोवा राईशु लाडला रे मरियम का यीशु लाडला सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हमें यीशु के की लठो क्या, हाथा में यीशु के की लठो क्या, बाकी पसली में भालो छिदाय मारे घर आओ जी। आओ आओ मारा यीशु राज मारे घर आओ नी। मारे एक छोरी जन्मी पर मैं उनको मुंडो ही नहीं देख सकी। मारे एक छोरी रही पर इन्हीं कारण उन्हें मरना पड़ियो। मारी सासु मारी छोरी ने मारना रो हुकम दियो। काई मैं उन्हें कदी माफ कर सकूं कि वे मारे पहले पोत के टाबर ने मारी और मैं अपने आप ने कदी माफ कर सकूं ला।
इन सब रे खातर कदे ही नहीं। मने इन पाप पे दलदल बारे निकलना रो कोई रास्ता निजर नहीं आवे। हने भगवान नेरोइज बनायो है और हैंग फूट रापो खुशी और आनंद वारोइज मिले। मारा हुसरा जी तबीयत घनी खराब हैगी और डॉक्टर साहब कियो कि आज ही रात काटनो ही मुश्किल है। मारी सासू मारे माते दोष लगाया कि मैं पनौती हूँ, वह मारी छोरी ने मारी जो मने ही मारनी चाहती। मने उन माते घनो तरस आव तो मारी ननंद मारे साथ जिको ही करियो उन खातिर मारे ननंद मारे माफी मांगी। वह अपनी गलती मान ली, इनु बढ़ने मने और की नहीं चाहिए। मैं मारी ननंद ने बताया के सदगुरु यीशु महाराज मारा पाप क्षमा करिया, इन खातिर मैं ही दूजारा पाप माफ कर सकूं। परमेश्वर थारे हूँ प्रेम करे और मैं ही थारे हूँ प्रेम करूं। मैं दोनों मिलकर प्रार्थना करी के सदगुरु यीशु मारा हुसरा जी ने बेगाऊं बेगा हावल कर दो। एक्सीडेंट नहीं हुए तो मारी जिंदगी कैडी वेती, पर इन बात रो भी मने कोई फर्क नहीं पड़े। सदगुरु यीशु खराब खराब हालत ने बढ़िया बना सके।